हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये वाला तोरण डिजाइन बना के दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, देखने में कितना सुंदर दिख रहा है और बनाने में उतना ही आसान है। तो चलिए स्टार्टिंग करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे 150 से 160 के बीच में चेन लेनी है। काउंट करके लेंगे, तो ये देखिए 150 चेन ले ली है मैंने। अगर और ज़्यादा बड़ा रखना है तोरण तो 160 ले सकते हैं। तो अब हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक चेन पर बना लेना है पूरा राउंड डबल क्रोशिया में। तो ये देखिए, इस तरह से हमने डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम इसमें दूसरा कलर यूज करेंगे। ये मैं पर्पल कलर यूज कर रही हूँ इसमें। इसमें यहाँ पर आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। तो ये मैं नेट वाला बनाऊंगी इस तरह से, एक डबल क्रोशिया छोड़ के ये वाला छोड़ूंगी, यहाँ डाल लूंगी। एक चेन ये वाला छोड़ूंगी, इसमें डाल लूंगी। आप चाहें तो साथ डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया बना सकते हैं या इस तरह से बना सकते हैं। तो ये एक राउंड इधर, फिर घूम के इधर भी दोनों साइड में ये वाला राउंड हम बना लेंगे। तो ये देखिए, तोरण पट्टी हमारी बन के तैयार हो गई है। इस तरह से हमें ये बना लेना। सिंपल डिजाइन है, बिल्कुल डबल क्रोशिया का ही है। अब हम डिजाइन बनाएंगे, तो डिजाइन हमें कैसे बनाना है वो दिखाती हूँ मैं। तो हम इसका हाफ कर लेंगे, तोरण पट्टी का हाफ कर लिया। अब हमें बीच की पेटल कितनी रखनी है अंदाजे से वो देखनी है। मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ पेटल, तो मैं इतने में बीच की पेटल रखूंगी और साइडों का डिजाइन इतने में रखूंगी। तो आप जितनी बड़ी पेटल बीच की रखना चाहें उस हिसाब से रख सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने साइज नाप लिया। अब मैं इसको दोनों साइड बराबर हैं। अब मैं इसको यहाँ से स्टार्ट कर लूँगी और यहाँ एक धागा बांध दूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर धागा बांध लिया। हमें यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक लाना है, इसलिए निशान लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं ग्रीन कलर से ही बनाऊंगी बीच का पार्ट इसका। बिल्कुल सिंपल डिजाइन बना रही हूँ जो कि हमेशा बनाती हूँ, लेकिन साइडों का डिजाइन कुछ डिफरेंट होगा, इसलिए पूरा डिजाइन देखें। दो डबल क्रोशिया, आप चाहें तो एक एक में भी बना सकते हैं, तीन तीन में भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं पूरा ये राउंड करूंगी, एक जहाँ पर हमने धागा बांधा है वहाँ तक, यहाँ तक। तो ये देखिए, ये लास्ट धागा बंधा हुआ आ गया। यहाँ पर हमें लास्ट बांध लें, बना लेंगे। और इसको निकाल देंगे। अभी हमें कम करता जाना है इसे।
जैसे कि हमेशा डिजाइन है, इस वाले डिजाइन में डालते हैं, कम करना है तो उसके लिए स्लिप स्टिच, दो स्लिप स्टिच, और अब यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। इसी तरह दूसरी साइड में यहाँ तक बनाना है और यहाँ से हम वापस टर्न कर लेंगे। सिंपल है, डबल क्रोशिये बनाते जाएंगे। साइडों का डिजाइन बस अलग है थोड़ा। तो इस तरह से जब तक एक बचेगा तब तक बना लेना है। तो ये देखिए इस तरह से ये बना के तैयार कर लेंगे। ये मैंने बीच में थोड़ा सा सिंगल डबल क्रोशिया बनाया है, दो की जगह एक ही लिया है। ये करना चाहें तो ठीक है, नहीं डबल डबल भी बना सकते हैं। तो अब मैं साइडों का डिजाइन बनाऊंगी। तो कलर चेंज करके बनाऊंगी और ये वाला पार्ट छोड़ दूंगी एक, और दूसरे में डालना है। ये वाला नहीं लेना। और अब हम पप बनाएंगे यहाँ पर। फोर टाइम बनाया है। ये हमें काउंट करके ही बनाने हैं। इस तरह से एक लड़ी पूरी बनाऊंगी, उसके बाद हम उसे यहाँ पर बांध देंगे इस तरह से लग के। तो ये देखिए पहली लाइन में हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पफ बनाए हैं और इसे हम बांध लेंगे यहाँ पर। ये मैंने एक बॉक्स छोड़ा है, ये छोड़ना चाहें तो ठीक है, नहीं यहाँ पर भी बांध सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ और डिजाइन बनाऊंगी लास्ट में फिनिशिंग में। इस तरह से ये बांध लिया। अब नेक्स्ट बनाएंगे तो उसमें दो ज़्यादा बना लेंगे, दो पप ज़्यादा बनाएंगे। और ये इससे नेक्स्ट ये वाला छोड़ के ये छोड़ देंगे, इस पर बांध देंगे। फिर इसी तरह से ये छोड़ के इस पर बांध देंगे, ये छोड़ के इस पर बांध देंगे। तो इस तरह से जितनी लड़ियां हमें बनानी है बना के और बांधते जाएंगे, हर एक में दो दो पफ बढ़ाते जाएंगे। और दो दो पफ बढ़ा के और यहाँ पर सेम एक जगह पर ही बांधना है हमें, सारे बांध लेंगे दोनों साइड में। इधर भी सेम करना है, इस साइड में भी ऐसे ही बनाना है। तो कंटिन्यू बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तोरण हमारा बनके तैयार हो गया है। इस तरह से हमें इसे बना लेना है। और आप चाहें तो इसमें ये मैंने लटकन लगाई यहाँ पर, पोम पोम बॉल या पेंसिल फ्लावर बीच में, इस तरह से कुछ भी लगा सकते हैं फिनिशिंग के लिए। तो अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।